कैसे हैं आप सब क्या आप लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए फेल हो रहा है अट्रैक्शन से बहुत कुछ कर चुके हैं बहुत सारी टेक्निक कर चुके हैं फिफ्टी विज, फाइव इंटू फाइव थर्टी थ्री इंटू थ्री विजुअलाइजेशन विजु, विजु, टेक्निक बहुत सारी टेक्निक कर चुके हैं और अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कुछ सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं चाहे वो जॉब हो लव मैरिज हो घर हो कार हो या फिर कोई एग्जाम पास करना हो या कोई डेजिनेशन पोस्ट हो या जो भी आप पा, पाना चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज क्रश को स्पेसिफिक पर्सन को पागल करना चाहते हैं ऑबसेस्ट करना चाहते हैं तो आज का वीडियो जरूर एंड तक देखेगा क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो हंड्रेड परसेंट आपको रिजल्ट देती ही देती है इस टेक्निक को करने के बाद जिस जिसने ये टेक्निक की है उसको हंड्रेड रिजल्ट मिला है तो आप लोग भी अगर हंड्रेड रिजल्ट चाहते हैं तो वीडियो को

रोज़ लिखते हैं बट तो आज मैं आपको बता रही हूं आपको रोज रोज लिखने की जरूरत नहीं है जैसा लिखा है वैसा बिल्कुल ऐसा हो सकता है यानी कि आप जो भी लिखेंगे अपने लिए वो आपकी लाइफ में हो जाएगा चाहे वो छह महीने के अंदर हो या फिर साल भर के अंदर हो या फिर इक्कीस दिन के अंदर हो जी हाँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक में हम बहुत पहले हम ये करते थे कि हम रोज रोज अपने अफर्मेश को लिखा करते थे ठीक है तो मैंने भी 2019 में 2019 में बहुत सारी अफॉर्मेशन लिखी जबकि मैंने जो वीडियोस बनाने स्टार्ट किए वो 2019 अगस्त में लिखना बनाना स्टार्ट किए ठीक है बट उस पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती दे थी मतलब बिल्कुल भी दिमाग मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी बस लिखती रहती थी कि मैं एक बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मेरे पास नेम है फेम है इतने मनी मेरे आ, अकाउंट में है मेरे पास एक लग्जूरियस कार है मेरे पास खुद की बहुत सारी चीज़ें जो जो भी मैं लिखती रहती थी ठीक है थोड़ा थोड़ा रोज लिखती थी रोज लिखती थी रोज लिखती थी और ऐसा करते 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 मैंने फिर छोड़ दिया लिखना अब जो मैंने वहां लिखा वो पूरा हुआ हुआ बिल्कुल 2020 में ही मेरे साथ बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई जहां पर मेरे को एक नेम भी मिलना स्टार्ट हुआ फेम भी मिलना स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट बैंक अकाउंट बैलेंस जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो भी मेरे को मिला और साथ ही साथ लग्जूरियस कार भी मैंने मैनिफेस्ट की वो भी अपनी स्क्रिप्टिंग टेक्निक से बट अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसी स्क्रिप्टिंग टेक्निक जिसे आपको सिर्फ पढ़ना है अब आप इसको डिजिटल नोट्स बना 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 सकते 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 हो बना सकते हो हो पे पे नॉर्मल पेपर स्क्रिप्ट तैयार करनी है जैसे कि आप एक फिल्म लिख रहे हैं जैसे फिल्म लिखते हैं फिल्म में एक एक स्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं वैसे आप अपने लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जैसे कि अगर आपको एक जॉब चाहिए तो जॉब में मैं इतने घंटे आप लिखेंगे प्लेन पेपर पर या जैसे मर्जी पेपर ले लीजिए डायरी ले लीजिए उसमें अपना नाम लिखिए थैंक यू लिखिए और अपनी विशेज को आपको लिखना है जैसे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है और आप बहुत थैंकफुल हो लाइक अगर आपके पास बेफ और एग्जाम्पल बताती हूँ अगर आपको जॉब चाहिए तो थैंक यू मैं सुबह इतने बजे जॉब जाती हूं या जाता हूँ इतने प्यारे प्यारे मेरे, प्यारे मेरे पास सब लोग हैं मेरे क, सब लोग आसपास इतना अच्छा माहौल है मेरी वर्किंग टेबल है इस कलर की है और मैं लंच आज इतने बजे हमारी कैंटीन में ये ये खाना मिलता है हम सारी इकट्ठा बैठ के इंजॉय करते हैं हैं, फिर हम शाम को जाते हैं हम यहां पे जाते हैं फिर मैं शाम को ऑफिस आता हूं मतलब आती हूं इस तरीके की आपको स्क्रिप्ट लिखनी है ये फॉर जॉब था अगर आप लव मैरिज का मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि हम यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं हमने रिंग यहाँ से खरीदी हम लोग डेट पे जा रहे हैं हम हनीमून पर यहाँ जा रहे हैं इस तरीके की सारी स्क्रिप्ट आप तैयार कर सकते हो फर्स्ट डे मेरा मैरिज के बाद ऐसा रहा हमने ऐसा स्पेंड किया हम लोग कॉल पर बात करते हैं वीडियो कॉल पर बात करते हैं इतनी देर हमारी बात होती है इस तरीके से आप उस स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं आपको जो भी आपकी विश है उसको स्क्रिप्ट पे आपको

चाहे विजुलाइज़ करिए मत करिए कोई बात नहीं और एक रात को जब सोते टाइम आपका कुछ देखने का मन नहीं करता आप स्लीपी मोड पे होते हो तब उसको जरूर पढ़िए दिन भर में अगर आप एक बार और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं नहीं तो बस ये दो टाइम पढ़ के आप उसको सो जाइए डेली फोर्टी डेज तक बस इतना करके भूल जाइए और उस पेपर को उठा के कहीं साइड में रख दीजिए आपने जो स्क्रिप्ट या डायरी में या नोट्स में लिखा होगा वो हंड्रेड परसेंट आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होगा बट आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है अगर आप सीक्रेट जाना चाहते हो मैनिफेस्टेशन का कि कैसे हम चीजों को इंस्टेंट हम मैनिफेस्ट करें तो आप बस ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए जो चीज़ जिस चीज के लिए हम भागल थे बेवकूफ हो रखे थे घूमते जा रहे थे उसके पीछे वो तो ऑलरेडी मेरे पास है वो तो मेरे को मिल चुकी है मैं जहाँ बाहर ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी वो चीज़ मेरे पास खुद आ चुकी है और इसको मिले हुए इतना टाइम हो चुका है ये अगर आप सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो जाता है जब हम यूनिवर्स को ये चीज बताते हैं कि हम डेस्परेट हो जाते हैं हमारे पास ये चीज नहीं है जल्दी से हमें ये चीज मिल जाए तो हमारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा तो हमें वो मैनिफेस्टेशन हमें हमारी कभी पूरी नहीं होती यूनिवर्स वो हमें कभी नहीं देता क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो चीज आपके पास है तो यूनिवर्स वो ही आपको देता है अगर आपको लैक होगा यानी कि आपको लगता है ये चीज मेरे पास नहीं है और मुझे चाहिए बस चाहिए तभी मैं हैप्पी हो पाऊंगी या हो पाऊंगा तो आपको वो चीज बिल्कुल भी कभी भी नहीं मिलेगी तो अगर आप ये टेक्निक यानी कि इस स्क्रिप्टिंग टेक्निक को इस तरीके से भी फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो ये टेक्निक आप जरूर अपनाइएगा और इसके रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू फ्रेंड